तो देखिए, पूर्व दिशा की बात की जाए, वहां स्थापित घर का मंदिर क्या परिवार में अशांति बढ़ाता है या फिर आपको सुख शांति पैसा और सेहत से जुड़ा हर लाभ दिलाता है? आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं, पूर्व दिशा की बात की जाए, क्योंकि आम लोगों में तो यही धारणा है कि पूर्व दिशा मतलब शुभ, तो क्या मंदिर को कैसे रखें ये बताएं। देखो, ऐसा है कि पूर्व दिशा जो है ये सूर्य पूर्व दिशा से ही उगता है, लेकिन गर्मियों में ईशान कोण में उगता है। पूर्व दिशा जो है ये इंद्र की दिशा है, और पूर्व दिशा में पूजा घर बनाया जाएगा तो भाग्य को बल मिलेगा, क्योंकि ये ईशान कोण से सटा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 30 से 60 डिग्री तक जो है ये मतलब कि जो है ईशान कोण है, और 60 से 90 डिग्री तक जो है ये पूर्व दिशा है। तो कहने का मतलब ये है, 60 से 90 नहीं, 60 से 105 डिग्री तक जो है ये पूर्व दिशा है। तो इसमें अगर मंदिर बन जाए तो भाग्य को बल मिलता है और तरक्की होती है। पूर्व दिशा में पूजा घर होने पर परिवार के सदस्य सात्विक विचार वाले होते हैं, ऐसे लोगों को समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इस दिशा में पूजा घर वहाँ रहने वालों को शांति देती है, सुख देती है, धन वैभव का लाभ मिलता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पूर्व दिशा में पूजा घर रखना कहीं से भी किसी प्रकार से बुरा नहीं है, लेकिन जो अच्छाई ईशान कोण की है उतनी अच्छाई पूर्व के पूजा घर में नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे हम सीधा सीधा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मान लेते हैं, लेकिन जब हम कंपास में देखें तब हमें पता चलता है कि बहुत से ऐसे घर बने हुए हैं जिनका डायरेक्शन जो है पूरा पश्चिम में नहीं है, कोने कोने पर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है। तो हमें कंपास के हिसाब से दिशाओं का ज्ञान करना पड़ेगा। सीधे नहीं मान लिया कि ये पश्चिम है, सीधे नहीं मान लिया कि पूरब है, सीधे नहीं मान लिया कि दक्षिण है, ऐसे ना मानना। आप अपने मोबाइल में कंपास है, कंपास खोल लीजिए, कंपास से आपको पता चल जाएगा कि आपके घर का डायरेक्शन, आपके घर का निकास द्वार किस दिशा में है और कितने डिग्री के बीच में है, और उसके हिसाब से फिर आप देखिए कि आपका बाथरूम कहाँ है, आपका पूजा घर कहाँ है, आपकी किचन कहाँ है, आपका मास्टर बेडरूम कहाँ है, आपकी लॉबी कहाँ है, आपकी डाइनिंग टेबल कहाँ लगी हुई है, आपका सोफा कहाँ लगा हुआ है, आपका ड्राइंग रूम किधर है। तो ये सारी चीज़ें आप कंपास की सहायता से अगर देख करके और इसको ठीक कर लें तो मुझे विश्वास है, खराब से खराब ग्रह की भी दशा अगर चल रही हो और खराब से खराब भी वायुमंडल हो तो घर में आने के बाद आदमी को सुकून मिल जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी।